कोरोना संक्रमण को देखते हुए ट्रेनों का संचालन भले ही अभी बंद है, लेकिन रेल पुलिस अपनी खामियों को लगातार सुधारने की कवायद में जुटी हुई है। पहली बार जबलपुर पहुंचे रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र कुमार ने जीआरपी के अधिकारियों से चर्चा कर विभागीय कामकाज की जानकारी हासिल की। उन्होंने अपने औचक निरीक्षण के दौरान जीआरपी थाना, रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य स्थलों का भ्रमण किया और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कामों में कसावट लाने के निर्देश दिए। रेल आईजी रविंद्र कुमार के मुताबिक रेल पुलिस द्वारा जीआरपी हेल्प ऐप चलाया जा रहा है, जिसके जरिए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। खतरे की स्थिति में यात्री न केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अलार्म पर आधारित सेवाओं के जरिए भी यात्रियों को सुरक्षित सफर देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जीआरपी और आरपीएफ के बीच की तनातनी जग जाहिर है, लेकिन रेलवे के आईजी रविंद्र कुमार के मुताबिक यात्री सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से यात्री सुरक्षा के लिए एक साथ काम किया जा रहा है, ताकि ट्रेन में बैठकर मुसाफिर सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए दुर्गा और निर्भया स्क्वाड के गठन के बाद इसे बंद करने के सवाल पर रेल आईजी ने अधिकारियों से चर्चा के बाद इस पर जरूरी फैसला लिए जाने की दलील दी। रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र कुमार के औचक निरीक्षण के चलते जबलपुर स्टेशन में सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आई। सुबह से ही जीआरपी का बल अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहा, तो स्टेशन के अंदर और बाहर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। अभी तो मैं केवल मेरा ये प्रारंभिक और पहला दौरा है और पिछले कुछ वर्षों में शासकीय रेलवे पुलिस से तकनीकी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी मुख्य रूप से उनकी मैंने समीक्षा देखी है कि उससे रेल यात्री को क्या लाभ हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, चाहे वो CCTNS हो, चाहे GRP हेल्प ऐप हो, चाहे रेलवे प्रोटेक्शन का 182 हेल्पलाइन नंबर हो, ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी बाकी तो आपको मालूम ही है, ना ट्रेनें बहुत सी चल रही हैं, ना पैसेंजर हैं, परंतु इस प्रक्रिया को समझना और इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इस भ्रमण के दौरान मेरा यही था। सर, एक महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा ट्रेनों में मुद्दा रहता है, इसके लिए दिव्या स्क्वाड बनाया गया था, लेकिन महिला बल की कमी कारण कहीं ना कहीं वो बंद है। महिला बल की अगर आप देखें, अभी भी देख लें, महिलाएं काफ़ी आपको नज़र आ रही हैं, ऐसी कोई कमी, मध्य प्रदेश तो बहुत अग्रणी है इस मामले में, 30% का आरक्षण लगभग हर स्तर पे है, लेकिन महिला के साथ घटना ना हो और यदि हो जाए तत्काल कार्रवाई हो। हमारा जो GRP हेल्प ऐप है, उसमें हम उसमें ऐसे फीचर्स बना रहे हैं कि अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो अगला स्टेशन है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, उसको तत्काल वहाँ पे तो मदद मिलेगी। ऐसे भी हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ कार्रवाई चल रही है अलार्म वाली, अगर कोई उसको घटना होने से पहले ही वो अगर बटन दबाएगी तो उसके अलार्म बज जाएगा, उसके पड़ोसी अगल बगल के लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तो ये सब तकनीकी प्रोसेसेस चल रही है, उसी की मैं समीक्षा करता हूँ। सर, लेकिन जो महिला स्क्वाड था वो बंद हो गया, निर्भया स्क्वाड जो बनाया गया था वो बंद हो गया है, अब नहीं, ये निर्भया स्क्वाड कहाँ की बात कर रहे हैं? सर, ये रेलवे में अपने जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाए गए थे निर्भया कांड, इसकी मैं समीक्षा करके बताऊंगा, अभी इसकी मुझे प्रथम दृष्टया जानकारी नहीं है, वो मैं लेके ही बता पाऊंगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। थैंक यू। जबलपुर से कबीर खान की रिपोर्ट।